Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट लीगल अपडेट्स है उसमें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंचू ने कुछ ऐसी बात कही और चिंता व्यक्त की जिससे कि ट्रायल कोर्ट को सलाह दी कुछ ऐसे कामों को करने की जिससे कि जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो बना रहे. तो जो चर्चा में रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंचूर, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे कि वह चर्चा में रहते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे रूल्स बताते रहते हैं जो देश के लिए अच्छे होते हैं. तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति है डीवाई चंद्रचूर. तो उन्होंने, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूर ने ट्रायल कोर्ट में एक नियम के रूप में जमानत सिद्धांत के खत्म होने पर चिंता जताई. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंचू ने शनिवार को देश भर की ट्रायल को अदालतों में नियम के रूप में जमानत, अपवाद के रूप में जेल के सिद्धांत के कम होते पालन के संबंध में महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त की है. गुजरात के कच्छ में जिला न्यायाधीशों की एक राष्ट्रव्यापी सभा में बोलते हुए उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इस प्रवृत्ति को उलटने की दशा में जिला न्यायाधीशों को सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया. मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों को संबोधित करने में निचली अदालतों की भर्ती झिझक पर भर्ती बेचैनी पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि बुनियादी सिद्धांत की जमानत को आदर्श माना जाना चाहिए और जेल को केवल अंतिम उपाय माना जाना चाहिए. धीरे धीरे अपना गढ़ खो रहा है. यह उन मामलों की भर्ती संख्या से स्पष्ट है जो निचली अदालतों द्वारा जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ अपील की मांग करते हुए ऊंची अदालतों, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो नवंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति चंचूर की जगह लेने वाले हैं, ने भी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में अधिक सक्रिय रुख अपनाने वाले जिला न्यायाधीशों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने अग्रिम जमानत या जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने से पहले अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों की आलोचनात्मक जांच की वकालत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण समझौता तो नहीं किया जा रहा है. मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में भरते सार्वजनिक विश्वास की कमी के मुद्दे को भी संबोधित किया और इसके लिए न्याय प्रणाली के भीतर मामलों की व्यापक बैकलॉग और संस्थगन की प्रचलित संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि तारीख पे तारीख कोर्टों में पड़ते रहती है और जो उसका निर्णय होता है, जजमेंट होता है, वो इतना डिले हो जाता है कि जो पीड़ित पक्ष है वो थक जाता है न्याय समय से ना मिलने के बाद. और अगर निचली अदालतें अगर न्याय दे भी देती है या डिसीजन दे भी देती है समय पे, तो अपीलों पे अपीलें रिविजन्स पढ़ के जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा चला जाता है. तो उस केस पे जो न्याय है, देरी से मिला हुआ जो न्याय है, वो न्याय ना रह के एक सिर्फ दिखावा रह जाता है. तो इस केस में जो डीवाई चंचूर है, उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो वाकई सही चिंता है कि जो निचली अदालतें हैं अगर वह अच्छी तरह से केस को डिटेल में समझ के और अच्छा निर्णय देती है तो उस केस में जो अगर अपील भी होती है तो जो ऊपरी अदालतें हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी अगर डिसीजन अगर निचली अदालत के द्वारा अच्छी तरह से दिया जाता है. उस केस में जो ऊपरी अदालतें हैं उन्होंने भी डिसीजन को
देखने में और डिसीजन को कि वह सही दिया गया है कि नहीं दिया गया है इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो उन्होंने इस धारणा पर चिंता व्यक्त की और स्थगन जो न्यायिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गया है जिसका संबंधित वादियों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो आए दिन जो केसेस चलते हैं उसमें डेट्स पे डेट्स मिल जाती है, डिसीजन जो है वो डिले हो जाता है, जबकि एक टाइम पीरियड के अंदर किसी भी जो केस दाखिल होता है कोर्ट में उसका जजमेंट देना होता है। लेकिन रूल्स जो है प्रॉपर फॉलो नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या है जो प्रभावात्मक तत्व है जो पैसे वाले लोग हैं वो अपीलें करके या किसी तरह की सोर्स लगा के जो अपने फेवर में कई बार जजमेंट्स को कर लेते हैं। तो बहुत चिंता व्यक्त की। तो इस जो डीवाई चंचूर है वो काफ़ी सलाह अच्छी देते रहते हैं और चिंताएं भी व्यक्त करते रहते हैं और काफ़ी चर्चित व्यक्ति भी हैं। तो इसी तरह से अगर आप मेरे लीगल अपडेट्स मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आप चैनल की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं कि कितनी सारी वीडियो जो है लॉ से रिलेटेड, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, क्रिमिनल ट्रायल, सिविल ट्रायल, जो डिवोर्स पिटीशन वगैरह से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो भी मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। और साथ में जो नए कानून जो चेंजेस आए हैं नए कानूनों में उनको भी आप देख सकते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है और उसके जो लेटेस्ट जो सेक्शंस हैं उसको मैं डिटेल में समझा रही हूँ, चैप्टर्स को समझा रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो एविडेंस एक्सचेंज हुआ है, साक्ष्य अधिनियम आया है 2023 का, वो भी मैंने आपको समझाया है। और साथ ही साथ जो दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो चेंज हुआ है और भारतीय सुरक्षा संहिता जो 2023 है उसको भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। और आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको वो वीडियो जो है प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि अगर आपको और भी किसी तरह की कोई लीगल नॉलेज चाहिए, किसी तरह के लीगल क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।